हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी मेडिसिन में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, इसकी क्या क्या सावधानी आपको ध्यान में रखना है और इससे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट मैनकाइंड कंपनी की बेस्ट टेबलेट है। इसकी प्राइस है 193.60 रूपए पर स्ट्रिप। ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका कंटेंट्स होता है एल कार्निटिन एल टेट्रेट। इसमें एल कार्निटिन की मात्रा होती है 500 mcg और इसमें होता है मेकोबालामिन 1500 mcg और फोलिक एसिड 1.5 mg। इसका बेस्ट यूज पोषक तत्वों की कमी को दूर करना, कार्निटिन की कमी को दूर करना, एनीमिया के उपचार में, तंत्रिका संबंधी विकार में, फोलिक एसिड की कमी और सुन्न होने की स्थिति के उपचार में इसका यूज किया जाता है। इस टेबलेट के यूज से आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस टेबलेट का यूज मेटाबॉलिज्म संबंधी विटामिन की कमी, टिंगलिंग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के दौरान दर्द और खून की कमी के इलाज में आपकी काफी मदद करती है। ये टेबलेट शरीर में लिवोकार्निटिन, लिवोटेट्रेट, विटामिन B9 और B12 के स्तर को बढ़ाती है। ये टेबलेट डैमेज सेल्स की रिकवरी में भी आपकी काफी मदद करती है। इस टेबलेट का यूज आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। यह टेबलेट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन पे मिल जाएगी। इस टेबलेट के यूज से आपको हार्ट प्रॉब्लम में भी राहत मिलेगी। अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है या फिर आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं भी सुन्न हो जाने की समस्या है तो यह टेबलेट आपको ऐसी सभी समस्याओं में आराम दिलाएगी। ये टेबलेट आपके शरीर में कमजोरी दूर करने में भी अच्छा वर्क करती है। ये डायबिटीज के रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद टेबलेट है। आपको कार्निटिन की कमी है, आपके तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या हो गई है तो भी इस टेबलेट का यूज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये टेबलेट उन एंजाइम्स को आराम देती है जो एक कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण अवयवियों और ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं और ब्लड कंपोनेंट के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह प्यूरिन और पाइरिमिडिन के संश्लेषण में मदद करती है जो ब्लड और इसके घटक के उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम मेथियोनिन सिंथेस के लिए कोफैक्टर के रूप में भी कार्य करती है। यह बोन मेरो में न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण को बढ़ावा देने और एरिथ्रोसाइट्स के परिपक्वता और विभाजन को बढ़ावा देकर ब्लड वेवल्स के उत्पादन को बढ़ाती है। वहीं बात करें इस टेबलेट के डोज के बारे में तो इस टेबलेट को आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद में एक बार रोज सोने से पहले ले सकते हो या फिर आप इसका यूज अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। वहीं बात करें इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में तो जिनको लीवर या किडनी रोग की समस्या है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो इस टेबलेट का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें और इस दवा के यूज के समय आप शराब का सेवन नहीं करें तो बेहतर रहेगा। बात करें न्यूरोकाइंड एलसी के साइड इफेक्ट के बारे में तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो है उल्टी होना, दौरे, दस्त लगना, बुखार आना, सीवियर स्किन एलर्जी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, विजिंग और इनके अलावा भी अगर आपको कोई अदर साइड इफेक्ट नजर आते हैं तो तुरंत इस टेबलेट का यूज बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।